हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज चंद्र भांगे, फैकल्टी इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, NIT पॉलिटेक्निक नागपुर। आवर सब्जेक्ट नेम इज बेसिक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, सब्जेक्ट कोड इज 22427 एंड टुडेज चैप्टर नेम इज टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ मेथड ऑफ थायरिस्टर एंड टुडेज टॉपिक इज गेट ट्रिगर सर्किट यूजिंग UJT ट्रिक। सेशन आउटकम, आज के टॉपिक पढ़ने के बाद अपना कौन सा नॉलेज बढ़ने वाला है वो देखते हैं। स्टूडेंट विल एबल टू अंडरस्टैंड बैटरी चार्जर यूजिंग SCR, ये अपने को पढ़ना है। डियर स्टूडेंट, आज के टॉपिक का नाम है बैटरी चार्जर यूजिंग SCR। यहाँ पे जो आपको बैटरी दिख रही है विद द हेल्प ऑफ SCR उसे चार्ज करना है। ये 12 वोल्ट की बैटरी यहाँ पे लगी है, उसे अपने को चार्ज करना है। ये इतना जो आपको सर्किट दिख रहा होगा, यहाँ पॉइंटर की तरफ आप ध्यान दीजिए, ये है इतना जो पार्ट है वो है रेक्टिफायर, ठीक है। ये इतना पार्ट जो है वो है रेक्टिफायर, उसके बाद ये है वोल्टेज रेगुलेटर और ये डायोड। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे इसका वर्किंग देखते हैं कि इसका वर्किंग किस तरीके से अपन बैटरी को चार्ज करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्या होगा कि यहाँ पे 230 वोल्ट AC सप्लाई दिया, ये यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर रहता है हमेशा, तो ये क्या करेगा AC वोल्टेज को 230 AC वोल्ट को कम करके 15 वोल्ट पे आउटपुट में देगा, तो ये स्टेप डाउन हो गया वोल्टेज, 15 वोल्ट AC वोल्ट मिलेगा। लेकिन AC को अपने को बैटरी को चाहिए DC सप्लाई, तो 15 वोल्ट AC को DC में कन्वर्ट करने का काम करता है ये जो सेंटर टैप रेक्टिफायर है ये। तो सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर इतना पार्ट है, ये क्या करेगा AC इनपुट सिग्नल को DC सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, ये इतने पोर्शन पे ध्यान देना है। फिर ये DC सप्लाई मिलेगा यहाँ से, फिर ऐसा करंट यहाँ से फ्लो होगा, ये DC सप्लाई यहाँ से, ये पॉजिटिव यहाँ से होते हुए यहाँ पे आएगा, यह पॉजिटिव सप्लाई डायोड को मिलेगा, डायोड को एनोड को मिलेगा, तो ये डायोड होगा ऑन। डायोड ऑन हुआ तो इसमें से करंट फ्लो हुआ तो गेट को मिलेगा, गेट को मिला तो SCR होगा ऑन, और ऑन होने के बाद ये करंट एक सर्किट कंप्लीट होगा, और ये सर्किट कंप्लीट होने के बाद ये करंट फ्लो होगा D1, उसके बाद SCR, उसके बाद बैटरी, उसके बाद नेगेटिव सप्लाई। तो इस तरीके से ये सर्किट कंप्लीट होगा जब ये करंट ऐसा फ्लो हो रहा था, बैटरी खुद को चार्ज कर रही थी, क्योंकि करंट ये बैटरी से ही जाएगा तो बैटरी खुद को चार्ज करेगी। और लेकिन अपने को क्या चाहिए कि 12 वोल्ट की बैटरी होना, तो 12 वोल्ट की बैटरी के लिए यहाँ पे लगाया जेनर डायोड। तो जेनर डायोड का एक ही काम आपको ध्यान रखना है कि ये फिक्स वोल्टेज देता है, कांस्टेंट वोल्टेज देता है, ये फिक्स वोल्टेज कांस्टेंट वोल्टेज बैटरी को मिलेगा और ये बैटरी चार्ज होगी। तो जेनर डायोड का काम क्या है कि फिक्स वोल्टेज जो 12 वोल्ट ही चाहिए फॉर बैटरी प्रोवाइड द कांस्टेंट 12 वोल्ट देने का काम ये जेनर डायोड करेगा। तो इस तरीके से ये सबसे पहले क्या किया अपन ने, 230 वोल्ट AC को 15 वोल्ट AC में, 15 वोल्ट AC में कन्वर्ट किया, AC को फिर DC में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे सेंटर टैप रेक्टिफायर लगाया, इसने क्या किया AC सप्लाई को DC में कन्वर्ट करके यहाँ पे अपने को दिया। ये DC सप्लाई यहाँ से होते हुए, बैटरी से होते हुए यहाँ जाया, तो बैटरी ने खुद को चार्ज कर दिया, बैटरी ने खुद को चार्ज किया। लेकिन अपने को बैटरी को चाहिए कांस्टेंट 12 वोल्ट, क्योंकि 12 से वोल्ट से कम दिया तो ये चार्ज नहीं होगा, और ज़्यादा दिया तो ये ख़राब हो जाएगी। तो इसको फिक्स वोल्टेज देने का काम करेगा ये जेनर डायोड। तो जेनर डायोड का काम होता है ये फॉर बैटरी प्रोवाइड कांस्टेंट 12 वोल्ट, इस तरीके से इसका वर्किंग है। क्या अपन ने पढ़ा, बैटरी चार्जर यूजिंग SCR अपन ने पढ़ा। इस पे बोर्ड में कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ बैटरी चार्जर यूजिंग SCR। थैंक यू दोस्तों।